एक नॉर्मल बॉल रखता हूँ जो कि होने वाला स्लोअर, एंड क्या उस पर विकेट मिलेगा देखने वाली बात ये होगी। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज और समझाऊँ, आफ्टर डेथ मेरे को देना ही नहीं है। हाँ, नहीं दे रहा हूँ तो फिर क्यों जा रहा है, फिर तक जाना है एकदम, मतलब हल्का आफ्टर डेथ फिर रहना बनता ही है। अरे बोला क्या तगड़ा फसाया यहाँ पे सुमित कुमार को, हल्का सा एज और गिर गई भाई, गिल्लियां गिर गई यहाँ पे, सारे आम गिल्लियां गिर गई हैं। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू धमाका का वीडियो, एंड आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कैरियर मोड, मतलब कि क्रिकेट 24 का कैरियर मोड का एपिसोड नंबर आई थिंक 19 है, बट जो भी है वो तुम लोग को पता चल गया होगा वहाँ पे, मतलब टाइटल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर बोल सकते हैं थंबनेल में देखे तुम लोग को पता चल गया हो कौन सा एपिसोड नंबर है। बाय द वे बढ़ते हैं आज के आगे के, मैं कुछ बताना चाहता हूँ यार, अभी इससे पहले T20 मैच था, मैं भूल गया भाई रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, मैं बोला बोल मचाऊ पूरा मस्त बोल डाला मैंने, सारी चीजें मैच खेल लिया, वो मैच हम लोग जीत भी गए, अभी वो कानपुर वर्सेस गया का मैच था अभी अभी बिल्कुल मैंने खेला है, एंड उसके बाद ये नेक्स्ट मैच है। बाय द वे कैलेंडर पे जाके दिखा देता हूँ, देखो कानपुर वर्सेस गया वर्सेस कानपुर का T20 मैच है ये, और ये कानपुर वॉन बाय 4 विकेट्स, ठीक है ये मैच हम लोग जीत गए। नेक्स्ट मैच है अपना कानपुर वर्सेस जबलपुर का, ये एक 50 ओवर्स का मैच है, तो तुमको क्या लगता है, मेरी तो एक अलग ही लेवल की 50, जब मैं 50 ओवर वाले मैचेस खेलता हूँ अलग ही लेवल पे खेलता हूँ वो भी क्लब में, तो आज तो भाई तुम्हारा फोड़ने वाला है। भाई तो लाइक जरूर से कर दियो। फिरता रहूं ऑलराइट, सो टॉस उछाल दिया यहाँ पे तुम्हारे कैप्टन है यानी कि SGM प्रिंस जबलपुर कॉल्ड टेल्स, क्या लगता है जबलपुर टॉस, लगता नहीं है भाई जबलपुर यहाँ पे टॉस जीत गया, मुझे लग रहा है आज जबलपुर बैटिंग चूज करेगी। और भाई क्या प्रेडिक्शन करेक्ट गई है यहाँ पे, मैंने बोला था जबलपुर यहाँ पे बैटिंग सिलेक्ट करेगी, बैटिंग करी भी है। ओके हम लोग आगे गए बॉलिंग करवाने के लिए, कुछ 60 विकेट्स लिए हम लोगों ने, ऐसे 40 मैच खेले हैं, ज्यादा नहीं खेले अभी तक, तो अब तो पावर प्ले में ओवर करवाना ऐसा कंपलसरी हो गया है, क्योंकि पहला ओवर यहाँ पे मैंने नहीं करवाया था, पहला करवाया था यहाँ पे अनिक गायकवाड़ ने, एंड देन सेकंड ओवर हमारा है। अच्छा स्टार्ट अच्छा किया यहाँ पे हमने, हम लोग पता क्या कर सकते हैं, थोड़ा आउट स्विंग बॉल देके इसको फंसाने का ट्राई मार सकते हैं। यार आउट स्विंग दिया, गैप मिल गया उसको सही, ठीक ठाक पकड़ा जा सकता है, बहुत बढ़िया। देखो मैंने आउट स्विंग तो लास्ट टाइम दिया था बट उतना बढ़िया भी नहीं था, ये थोड़ा तो बढ़िया था, बहुत बढ़िया था क्योंकि रन नहीं आए इस पे, बट मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ तो कर सकते हैं, लाइक इन स्विंग थोड़ा देख के ट्राई मार सकते हैं। बॉल अच्छा था बट गैप देख लिया उसने और रन मिल जाएंगे। भाई जिस प्रकार के रन पड़े हैं ना, ऐसा मैंने कसम से नहीं सोचा था ऐसे कुछ स्टार्ट में रन पड़ेंगे। भाई स्ट्रेट ड्राइव और पकड़ा जा सकता है, बाय द वे फील्डिंग ओके पकड़ लिया गया है। ओवर का लास्ट बॉल है, ओवर में अभी तक तो 6 रन पड़ चुके हैं, लास्ट बॉल इन स्विंग का प्रयास और पकड़ा। यार पहले ओवर में हमारी थोड़ी सी ऐसा कुटाई हो गई थी बट अभी हमको याद रखना है। वो वाला मेरा सामने वाला स्क्रीन ही गायब हो जाता है, फिर मैं इधर देख रहा हूँ। ओके विकेट की तलाश, बॉल है यार, मैं बोला विकेट की तलाश और विकेट आ गया यहाँ पे, क्या बेहतरीन इन स्विंग बॉल, ये अभी तक का सबसे बेस्ट है भाई, अभी तक का सबसे बेस्ट बॉल। ब्रह्म को आउट किया यहाँ पे 2 रन पे, भाई कसम से बोल रहा हूँ अभी तक का, जब से मैं ये खेल रहा हूँ अभी तक का सबसे तगड़ा बॉल, क्या नेक्स्ट लेवल इनक्रेडिबल इन स्विंग भाई, ऐसे देखने में लग रहा है बॉल ये क्या स्विंग गया, ये एज लगा और आउट यहाँ पे एज का ही मैन मिला है, तो बॉल क्या ऐसा जाके एकदम विकेट गायब, भाई अलग ही क्रेजी लेवल का बॉल लिया ये, यही होते हैं भाई देखो इन स्विंग यॉर्कर के मजे जो ज्यादातर हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। बॉल 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 बहुत बढ़िया, क्या बात है, एंड सामने की साइड में है डी डोसी, कुछ तो देखो तगड़ा ट्राई कर सकते हैं डोसी को, बॉल है बहुत बढ़िया बॉलिंग, क्या बात है, तो लेवल तो क्रॉस कर दिया यहाँ पे हमने बट अभी भी कुछ चीजों की ऐसे जरूरत है यहाँ पे, और बहुत बढ़िया मैं बोला देखो लेवल क्रॉस कर दिया हमने बट अभी भी कुछ चीजों की जरूरत है, और वो चीज यहाँ पे मिल गई है, एक और विकेट। आज देखो स्टार्ट में थोड़ा बहुत तो मोमेंटम बना के आए हैं, मतलब की विकेट यहाँ पे मिल रहे हैं, एज लगा है एडम, क्या बात है भाई, ये स्लिप का कैच काफी तगड़ा, डी ओ डोसी, मतलब पहला ओवर थोड़ा सा गया था जहाँ पे हमको विकेट के नाम पे कुछ भी नहीं मिला था बट दूसरे ओवर में भाई अरे अरे फील्डिंग यहाँ पे, दूसरा ओवर जो है वो मेडन गया और 2 विकेट आए इसमें, मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी तक का सबसे बेस्ट है भाई, अभी तक का सबसे बेस्ट है, बहुत बढ़िया बॉलिंग, एंड जब हम थोड़ा ज्यादा बॉलिंग करवाते हैं ना तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखने को मिलता ही है, और जो कि आज भी मिला है, वो बॉल है यार बहुत बढ़िया। विकेट की शुरुआत तो हमने कर दिया, अभी अपनी टीम यहाँ पे किस प्रकार से विकेट्स लेती है
अब वो देखने वाली बात है, बट यहाँ पे एज लग के चौका लगा उसका दुख नहीं है, दुख है ये नो बॉल है। क्या ये फ्री हिट का फायदा उठा पाएगी टीम, वो देखने वाली बात है। और रखा तो स्लोअर था इसको भाई, फोर मारा था, मेरे को लगा सिक्स मारा होगा, बट नहीं फोर पड़ गया वो। अभी तक तो अच्छा खेल रहा है, वो बॉल है यार। सो यहाँ पे एक विकेट और डाउन हो चुका है, 69 कुछ रन बने एंड ये 14th ओवर है, हमको मिला पावर प्ले खत्म हो चुका है। आज एक जो तरीका होता है ना सही तरीके से बॉलिंग का, आज हम वही चीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बॉल डालना है, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम तगड़े लेवल की बॉलिंग चल रही है। रन चाहिए भैंस की डांगी ने, मतलब कैसे भी मिल जाए रन चाहिए। ये ले बॉल है, कोई बात नहीं है, अभी तो आउट है। क्लोज बैट से बहुत क्लोज था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही यही तो चाहिए भाई, और किसी चीज की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग, ओ भाई साहब क्या भाई, बॉलिंग का लेवल ही क्रॉस कर दिया गया है भाई, मतलब क्या चल रहा है तुम लोग खुद ही देखो यहाँ पे। बट 37 भाई वो अभी भी चल रहा है, वो चल रहा है 76 पे। अभी ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ये जो सामने एक बंदा है मतलब उनकी टीम का, उसको हमको आउट करना है, क्योंकि उसको हमने आउट कर दिया टीम ऑल आउट खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, वो चीज हमको करनी है। क्लोज बहुत जा रहा है बैट से, क्या बात है, कुछ माहौल बन सकते हैं क्या यार। देखो एक विकेट चाहिए यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो विकेट मेरे हाथ से जाए, बहुत क्लोज था भाई। देखो मैं नहीं विकेट ले पा रहा तो कोई नहीं ले पा रहा है, अलग ही लेवल का रूल है। अरे यार जाया था भाई, बट वो सिर्फ मैंने स्लिप को टारगेट किया है, मुझे वहां पे एक स्लिप चाहिए था, बाकी और कोई मतलब नहीं बनता है वहां। और बॉल है भाई क्या लेवल का गया है इसको, ऑन साइड पे पूरा इलाका मैंने इसे खाली करके दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे जा रहा था ऑन साइड को ही शॉट लगाने, बट इसको टाइम नहीं कर पाया सही। मेरे को एक विकेट चाहिए, सामने जो बंदा खड़ा मेरे को एक विकेट नहीं लेने दे रहा। अबे एक विकेट चाहिए यार, अब तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई क्या करूं मैं, थोड़ा अगर दिमाग लगाओ इस बॉल में कोई कमी नहीं थी, ये भी बॉल अच्छा था, आउट स्विंग बॉल एज आया था, यहाँ पे सेकंड स्लिप होना चाहिए था, नहीं आई थिंक थर्ड स्लिप होना चाहिए था भाई। अभी कसम से बताऊं मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मैंने पूरा स्लिप का भंडारा लगा दिया। हाँ अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैंने पूरे स्लिप का भंडारा लगा दिया, और ये लास्ट बॉल था, क्या बात है। और एक विकेट यार कोई और लेके चला गया। यहाँ पे हम एज अ ओपनर आए हैं, मतलब नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे अभी अभी। अरे 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 भाई बहुत आराम से, ये क्या मैं कर किया क्या वैसे मैंने। और अगर हम ओपनिंग करने आए हैं मतलब कुछ तो होने ही वाला है। शॉट अच्छा है, गैप को परख लिया गया है और रन मिल गया। यहाँ पे दिक्कत ज्यादा कुछ नहीं है, मेन दिक्कत यह है बॉल स्लोअर आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। ओके एक और रन यहाँ पे ट्राई मार सकते हैं, दिक्कत हो गई है भाई मुझे पक्का लग रहा है दिक्कत हो गई है। ओके मुझे लग तो रहा है दिक्कत हुई है, और प्लेयर गया मेरी वजह से, मनदीप सिंघा चला गया यहाँ पे, एक गलत कॉल दे दिया मैंने रन भागने का। अभी तो मेरे ऊपर है मैच को, मेरे को कैसे भी करके जिताना पड़ेगा भाई, पूरा दोषारोपण मैच के हारने का मेरे ऊपर आएगा अगर ये वाला हमारे। ओके बढ़िया रनिंग, यही करना होता यार, यहाँ दो की जरूरत थी नहीं, पेस बॉलर के अलावा स्टार्ट में कुछ भी ऐसा देखने को मिलता नहीं है। और राइट गाइस, खुल गया हाथ खुल गया बल्ला, अभी मचेगा हल्ला। यही चाहिए था भाई, यही तो चाहिए था, इसी का तो वेट कर रहे थे भाई, इसी मैं बोल ही रहा हूँ ना, इसी का हम वेट ही कर रहे हैं। तुम हमको ऐसे बॉल्स दोगे तो हम बाउंड्री के अलावा किसी से बात ही नहीं करेंगे। अरे गैप में बॉल, हाँ ठीक है भागने की क्या जरूरत है, शॉट का कनेक्शन ही बता देता है भागना है या फिर नहीं भागना है। हालांकि अभी अगर हम लोग देखें बैटिंग फिर भी सही चल रही है, वाइड बॉल है जहां तक मुझे लग रहा है। अरे वाइड नहीं दिया गया, प्लेयर का पोजीशन चेक करो, ये बैट देखो, मानता ही नहीं हूँ भाई, ये इम्पॉसिबल चीज है, ये वाइड नहीं है बॉल भाई, कौन कह रहा है ये वाइड नहीं है, पूरा पूरा बाहर जा रहा है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे गैप को ढूंढ सकता हूँ, बट डिफेंड कर लेंगे हम। अरे भाई कसम से बता रहा हूँ, AI अगर सही हो ना भाई, हम लोग सारे मैच जीत जाए, क्या सीन है भाई, ऑटोमेटिक आगे बढ़ रहा है भाई, कैरेक्टर लेस है भाई ये। अरे यार अच्छा खेल लेते हम, मोमेंटम बन रहा था धीरे धीरे, हार गए मैच, अच्छा खेल लेते यार, मोमेंटम बन रहा था, मुझे लग रहा था ये मैच निकाल लेंगे। ओके बट रुक जाओ, दिमाग यहाँ से अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी सारे के सारे T20 मैचेस हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जितने भी ऐसे T20 मैचेस थे, क्योंकि T20 स्टेट प्लेट में अपना सिलेक्शन हुआ था ना, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे बता रहे हैं, पहला मैच है अपना अरुणाचल प्रदेश के साथ में। चलो भाई देखते हैं क्या होने वाला है, हम लोग खेलते हैं इस मैच को। ऑलराइट गाइस, अरुणाचल प्रदेश टॉस को जीत गई थी और अरुणाचल प्रदेश ने बॉलिंग ली है,
एंड वॉट, मुझे यहाँ पे एज अ ओपनर भेजा जा रहा है, मतलब वहाँ पे मैं ओपनिंग कर रहा था तो इन लोगों ने मुझे एज अ ओपनर भेजा है। तो भाई अभी अच्छा खेलना पड़ेगा, एज अ ओपनर भेजा है मेरे को भाई, एज अ ओपनर डर लग रहा है, बट कोई बात नहीं है, T20 मैच है, तुम्हारा भाई अच्छा खेलेगा, यहाँ पे तुम्हारे भाई को भी पता है। ओके बहुत बढ़िया, गैप ढूंढा यहाँ पे, दो का प्रयास जरूर रहेगा और दो रन बटोर के भी लाए हैं भाई। मैं सही बताऊं तो हम थोड़ा भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं। ओके गाइस ये शॉट बढ़िया था, मतलब यहाँ पे दो तो मिल सकते, क्या चौका मिल सकता है भाई, पहला चौका। T20 स्टेट प्लेट में खेलने के लिए आए हैं हम, ओपनिंग कर रहे हैं और आज का हमारा पहला चौका शॉट भाई। बहुत स्लोअर आ रहा है यार, मैं अपना बेस्ट दिया आज, मैं अपनी कोई ऐसे वो नहीं करना चाहूंगा। हाँ मैं अच्छा नहीं खेला, मैं बढ़िया खेल रहा था, इतना बॉल स्लोअर आ रहा है यहाँ पे, कौन खेलेगा अच्छा। चुटकियों में विकेट गिर गए सारे, अभी तक हमने T20 के 6 मैचेस खेले हैं जिसमें से मात्र 2 ही विकेट लिए हैं, जो कि हमने लास्ट सीजन में खेले थे T20 स्टेट प्लेट के। बड़े साल हम सोच के आए थे हम काफी अच्छा करेंगे, अभी करते हैं नहीं करते हैं देखने वाली बात, यहाँ पे आ जाती है। बहुत बढ़िया आउटस्विंग बॉल, स्विंग तो अच्छा मिल रहा है भाई। एंड 47 कुछ रन बने, 4 विकेट डाउन कर दिए गए, 65 बॉल्स पे 112 चाहिए। ये क्या बोलूं भाई, मैं तो अच्छा बॉल दिया था, अब अगर वो ट्राई ही नहीं करेंगे तो वहां पे मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, थोड़ा जा रहा हूँ मैं आउटस्विंग के साइड जा रहा हूँ। ओके 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 गैप में तो गया है क्या, अरे चांस बनता है, क्या फील्डिंग है भाई ये, आउटस्विंग बॉल दिया, ऐसा कुछ इस प्रकार का शॉट आया, वो चीज है ठीक है। यहाँ से देखना गड़बड़ी क्या हुई है ये, एक तो सालों को सीधा बॉल फेंकना नहीं आता है, ये लॉल कीपर की गलती है भाई, ये बॉल इधर आ रहा है उसको दिख रहा है वो फिर भी निकल गया भाई, ऐसे अगर होगी ना फील्डिंग। पहले ओवर में 9 रन आ गया, क्या बोल दूं, ये आउट क्या, अरे आउट क्या, वो तो हवे में ही नहीं गया भाई, खामा खा पहले ओवर में कुटाई होगी, दिमाग तो बहुत नेक्स्ट लेवल यहाँ पे खराब हुआ है। बाय द वे बॉल अच्छा कैच कर लेता तो ज्यादा खुशी होती यहाँ पे भाई, फील्डिंग मेरे हिसाब से लगी नहीं है तो फिर सीन हो रहा था, अभी थोड़ा ठीक है, फील्डिंग अपने हिसाब से लगा के। ओ आउट है, आउट है नहीं है वो नहीं पता मेरे को, अभी तो नहीं लग रहा है। रिव्यू के लिए थोड़ी बातचीत हुई थी, चाहता तो मैं ले सकता था बट मैंने खुद ही नहीं लिया। हाँ मेरे को लगा थोड़ा विकेट मिस हो सकता है, हाँ विकेट हो भी रहा था, मैं सही रहा भाई, रिव्यू वेस्ट नहीं किया, कोई बात नहीं है। बॉल अच्छा था, यहाँ पे हम दोबारा ट्राई मार सकते हैं। ओके कैच, अबे यार क्या चूतिया बंदे हैं भाई ये, भाई इस बार जो T20 स्टेट प्लेट की टीम है ना भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ भाई, बहुत बेकार टीम है ये। जब यहाँ से शॉट खेला था तो इंसान को पता चल जाता है तो क्या कर रहा था भाई, अगर पीछे से जहाँ पे खड़ा हुआ था इधर से ही थोड़ा ट्राई करके थोड़ा पीछे बढ़ता बॉल को देखते हुए जंप करता कैच आ जाता, बहुत कुछ ट्राई कर लिया। अब यहाँ एक स्लोअर बॉल भी ट्राई करेंगे तो कोई गम नहीं, और बॉल अच्छा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके इसी के साथ में उत्तर प्रदेश अपना पहला मैच जीत गया। बॉलिंग यहाँ पे हमारी बिल्कुल ऐसा पिट गई है, बैटिंग अच्छा करने का ट्राई किया अभी था तो भी अच्छी हुई नहीं है, हुआ क्या है हमको खुद भी आज नहीं समझ में, आज काफी हम गड़बड़ में रहे। एंड विदर्भ ऑलवेज भाई टॉप 1 पे चल रही है, नेक्स्ट मैच भी विदर्भ के साथ में, ये अलग ही लेवल का खेलती है यार टीम, तो ये वाले मैच में स्कोर करना बनता है। अभी यार तुम लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पे क्या सीन हो सकता है, मेरे को कमेंट में यहाँ पे जरूर से ठीक है तुम लोग बता देना, ये मैच हम लोग यहाँ पे जीतने वाले हैं या फिर नहीं जीतने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ने तो बैटिंग चूज की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पे जानती है उसकी टीम एक ही चीज में अच्छी है, जो कि अभी डिफेंड, क्योंकि लास्ट टाइम डिफेंड किया। ओके पहला बॉल, और पहले बॉल से ही खाता खोल दिया इस बारी फिलहाल, ऐसा कुछ अभी 7 रन बने, ज्यादा रन भी नहीं बने, वो चीज भी ध्यान देनी है। ये शॉट बढ़िया है, गैप ढूंढा है यहाँ पे, 2 का प्रयास मेरा जरूर ऐसा रहने वाला है, एंड 2 मिल जाएंगे। तरकता हुआ बॉल जाता है यहाँ पे, आ यार एक स्लोअर है, दूसरा बाहर के साइड था वो खेलने चला गया और उतना कुछ नहीं कर पाया बैटिंग में, जैसा सोच के तो बहुत कुछ आए थे बट कोई बात नहीं है, हम पूरा यहाँ पे ट्राई करेंगे अभी। एंड इसके बाद मेरे को ओवर दिया नहीं गया, सामने वाली टीम इजिली मैच जीती होगी, ये ओवर मेरा जब बढ़िया गया तब मेरे को ओवर नहीं दिया गया, ये उम्मीदें भाई थी नहीं मुझे टीम से बट ऐसा ही कुछ हुआ है। एंड विदर्भ ऑलवेज ग्रेट टीम है और वो रहेगी भी मुझे लग रहा है, सीधी बात है अगर अभी के हिसाब से हम कंपेयर करें इंटरनेशनल टीम है तो विदर्भ बोले तो ऑस्ट्रेलिया भाई सेम कुछ वैसी टीम है। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey!